आन कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मंजू YouTube ब्लॉग में। दोस्तों बज रहे हैं, रात के 10 बज ही गए हैं लगभग, और हमारे यहाँ आज है शादी, यानी बारात है। तबीयत तो हमारी बिल्कुल नहीं ठीक है, मतलब पहले से भी ज़्यादा कंडीशन हमारी ख़राब हो गई। पता नहीं क्या ऐसा हुआ, लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम एक बहन है हमारी, उनकी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो अपनी हम बाद में बताएंगे। क्योंकि सबसे पहले हमारा ये मानना है कि हम दूसरों के प्रॉब्लम समझें और उनका सहयोग करें तो हमारे भगवान ज़रूर मदद करेंगे, यही सोच के हम काम करते हैं हर समय, ये नहीं कि हम यहाँ पर हैं तभी। तो जो है तो अम्मा और बाबू और बिटिया रानी हमारी गई हुई है उनके यहाँ, शादी है लड़की की, आज बारात आएगी। यानी वही नियम जो चल रहा है उसी हिसाब से भाई, अब साल साल दो दो साल की मतलब शादी है, उनको रोकना भी ठीक नहीं है ना। लोग तो पता नहीं सबकी स्थिति तो जैसी है नहीं, पता नहीं किस स्थिति में कैसे कैसे इंसान तिनका तिनका करके इकट्ठा करता है, और जो है तब जाके चाहे बेटे की शादी चाहे बेटी की हो पाती है। बाकी जो है जिनकी बनी बनाई बातें हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर हमको सच में बात करने में भी दिक्कत है। कल परसों से ही हमको मतलब बोलना गया था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं लगभग आज 4 दिन के बाद ही कैमरा उठा रही हूँ, मोबाइल उठा रही हूँ वीडियो बनाने के लिए। बाकी हमारी जो भी वीडियो जाती हैं, देखिए मैं 1-2 दिन एक्स्ट्रा में वीडियो बना के रखती हूँ, क्योंकि इतना प्रॉपर टाइम अपने पास नहीं होता है कि जब मैं तुरंत वीडियो बनाऊँ, तुरंत उसे एडिट करूँ, तुरंत अपलोड कर दूँ, ऐसा नहीं हो पाता है। तो तबीयत की भी बात हो जाती है कभी कभी बीच में, पता नहीं क्या कब रहे। तो जो भी वीडियो जा रही हैं वो पहले की हैं, आज 3रा दिन है और आज है फ्राइडे, तो 30 तारीख है अप्रैल की, और कल ये वीडियो जाएगी। कब जाएगी इसका भी हमें कुछ अंदाज़ा नहीं, क्योंकि आज रात हमारा नेट ख़त्म हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो ही गया समझो, तो कल जब रिचार्ज होगा तभी ये वीडियो जा पाएगी। और बहुत ज़रूरी है, बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, कि ये समझिए यहाँ पर मैं ये बोल दूँ कि हाथ जोड़ के प्रार्थना की गई है वीडियो के लिए, बहन हमारी वीडियो बना दीजिए। और यहाँ पर देखिए, अगर आप काम कर रहे हो तो आपके सभी भाई हैं, सभी बहन हैं, जितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर, समझिए साथ ही काम कर रहे हैं, और अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो हमारा मानना है कि आप उनकी प्रॉब्लम का सलूशन अगर आपसे हो सकता है तो ज़रूर करिए इसके लिए जो है। और एक बात मैं और यहाँ पर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ यार, आप लोग दूसरों की मुसीबत समझिए, परेशानी समझिए। अगर कोई आपकी वीडियो में नहीं जा रहा है या उसकी वीडियो नहीं आ रही है, तो कोई ना कोई रीज़न होगा इसकी वजह से वीडियो नहीं आ रही है। मतलब बैठ नहीं पा रहे हैं, दिक्कत है इतना ज़्यादा है कि हम क्या बताएं, अपनी परेशानी बताएंगे बाद में, आप भी परेशान हो जाते हो हमारी वजह से। तो जो है तो मेरा मानना है कि आप लोग जो है सभी से कह रहे हैं, अपने भाई बहन से, कि प्लीज़ यार, अगर कोई आपकी वीडियो नहीं आ रहा है या उसकी वीडियो नहीं आ रही है, तो कोई ना कोई रीज़न होगा ना इसके लिए, वो मतलब इतना ज़्यादा परेशान है या कोई बात है, तो आप प्लीज़ यार जाके कोई ऐसा कमेंट ना करो जिससे उसको तकलीफ़ हो, उसके दिल को चोट पहुँचे, तो ऐसा नहीं करना है। प्लीज़ रिक्वेस्ट, मैं हाथ जोड़ के आप सभी भाई बहनों से, क्योंकि देखिए जो प्रॉब्लम हमारे ऊपर आ गई वो कल आपके ऊपर भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, क्योंकि जब इंसान है तो इस धरती पर जो लोग आए हैं तो उनके लिए तो भाई दिक्कत है ही है, जीव जंतु चाहे प्राणी हो, क्योंकि इंसान में सहने और समझने की क्षमता होती है जिसके लिए वो बयां कर देता है, बाकी जीव जंतु सबके लिए होती है, उनको भी दर्द होता है, तकलीफ होती है, ऐसा नहीं कुछ है। तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट, अगर जिन लोग नहीं आ पा रहे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करिए, उन्हें हेल्प करिए, ना कि उन्हें जाके जो है परेशान कीजिए, तो आपकी थोड़ी सी मदद से उनकी भी मदद हो जाएगी और परेशानी का हल भी निकल आएगा, उनको भी खुशी खुशी होगी। मेरा मानना है कि किसी के दुख में अगर हम सहयोग करते हैं, वो इंसान कुछ भी भूल जाए, लेकिन अगर किसी की प्रॉब्लम या दुख में हम उसका साथ देते हैं, उसकी प्रॉब्लम का सलूशन करते हैं, तो मुँह से ना करे तो भी चलता है, दिल से ज़रूर दुआ निकलेगी उसके, और वो दुआ कहीं ना कहीं जाके एक ना एक दिन कबूल हो जाती है और हमारे कहीं ना कहीं दुख सुख में साथ दे देती है हमारा। तो प्लीज़ बद्दुआ नहीं दुआ लीजिए, क्योंकि अभी जो हमारी जो प्रॉब्लम चल रही है इसकी वजह से समझिए कि सबको मतलब आशीर्वाद और दुआ की ही ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि कोई चीज़ काम नहीं आ रही है, सिर्फ
भगवान और इंसान की सबकी दवा दुआ यही चल रही है। तो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर, थोड़ा बात करना ज़रूरी हो जाता है हमारे भाई बहनों से, क्योंकि हमें समझते हैं। मैं तो अपने सभी भाई बहन का, अपनी 10,000 यूट्यूब फैमिली का दिल से धन्यवाद करती हूँ इतना ज़्यादा कि सच में आप लोग अपने घर में स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, यही प्रार्थना मैं हमेशा भगवान से करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ मस्त रहें। तो यहाँ पर जो है बात हो रही है रजनी मौर्य ब्लॉग है, उनका चैनल है, और इस टाइम वो है गुजरात में उनके मतलब साहब जी जो हैं कोरोना पॉजिटिव हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं यहाँ पर लगा दूँ स्क्रीनशॉट जो उन्होंने भेजा हुआ है हॉस्पिटल का। तो अपने 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे लेके, उनके चाचा ससुर वहाँ अस्पताल में उनके साथ हैं, और अभी भी हालत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, फिर भी ठीक है, भगवान करें, आप सब भी दुआ कीजिए और वो ठीक हो जाएं। तो उन्हीं के चैनल पे यार जब वीडियो नहीं डाल पा रही हैं तो, और वीडियो के अलावा जो प्रॉब्लम चल रही है जुड़ी बुखार की बात अलग हो जाती है, इसमें तो आदमी वैसे भी हिला हुआ है, और तो वैसे भी इंसान की एकदम समझिए कि जो जिंदा है उसको वैसे भी मरा पड़ा है, और जो मर गया उसकी बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर जो बीमार है वो भी समझ लीजिए एकदम आधी बीमारी है तो आधे उसके दिल की धड़कन ऐसे ही बढ़ गई है, परेशानी आ गई है। तो अगर उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतनी परेशानी है, पति कोरोना पॉजिटिव है और जो है बच्चे छोटे छोटे हैं, तो भाई अगर वो वीडियो ही नहीं डाल रही हैं, अपनी प्रॉब्लम ही नहीं शेयर कर पा रही हैं, तो थोड़ा आप लोग उनकी हेल्प करिए, ना कि जाके कमेंट करिए। उन्होंने बताया हमें कि दीदी लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, आते नहीं है वो दुनिया भर का, प्लीज़ दीदी आप वीडियो बना दीजिए। तो मैंने कहा चलो भाई हम मदद कर देंगे जो हमसे होगा, और लोगों को समझा भी देंगे भैया जो हमारी बातों से सहमत होंगे, प्लीज़ यार सपोर्ट ना करते हो कर देना, भीख ना दो तो तुमड़ी भी मत फोड़ो, वो वाला हाल मत करिए यहाँ पर। तो भगवान करें कि रजनी के पति ठीक हो जाए, अपने परिवार में स्वस्थ और सुरक्षित रहें, यही उम्मीद भगवान से करती हूँ। आज भी हमारी इंस्टा पे बात हुई है, अभी भी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, ऐसे ही है, दोबारा मतलब दवा के बाद जो जाँच होती है फिर से वो जाँच के लिए गई है, रिपोर्ट देखो कब आती है उनकी। तो यही सब प्रॉब्लम है, और वीडियो का लिंक उनकी मैं डिस्क्रिप्शन का मुझे नहीं आता, मैं कई बार बता चुकी हूँ, यहाँ कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ आप लोग चेकआउट करिए, वहाँ उनके चैनल पे जाइए और सपोर्ट करिए, ना कि उन्हें परेशान करिए। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हो तो फिर किसी को परेशान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, हमको भी किसी को कहने का कुछ अधिकार नहीं है। तो यही सब बातें हमको करना था इस वीडियो के माध्यम से, और जो भी हमारे भाई बहन न्यू हैं हमारे चैनल पे आते हैं, प्लीज़ यार वीडियो को शेयर और लाइक तो जरूर कर दिया करो, सब्सक्राइब आपकी मर्जी, अगर वीडियो अच्छी लगेगी फिर से हमें देखना चाहोगे, फिर से हमसे मिलना चाहते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, अन्यथा आपकी मर्जी। लेकिन कुछ ऐसी वीडियो हैं जिनको शेयर करना ज़रूरी हो जाता है ताकि लोग अलर्ट रह सकें। और अब जाते जाते मैं अपने भाई बहनों से ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 99% कोशिश कीजिए कि अपने घर में रहिए और बाहर निकलिए तो मास्क सैनिटाइज़र घर आके नहाइए धोइए, यही सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जिनको थोड़ा बहुत नॉर्मल अगर पॉजिटिव है तो प्लीज़ अपने घर में सावधानी से बरतिए और दवा दुआ लीजिए। हमको इतना प्रॉब्लम है कि मैं क्या बताऊँ, इसका अलग से वीडियो ही बनाएंगे हम आप लोगों से, इसमें अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करें तो उनका क्या कहेंगे, बात करने में भी हमको दिक्कत हो रही है, जुकाम से गला एकदम भरा पड़ा है हमारा। तो यही सब बातें हैं, यही सब मैं कहना चाहती हूँ, तो प्लीज़ यार किसी को जो है अगर दया नहीं कर सकते, दुआ नहीं कर सकते किसी के लिए, तो फिर ऐसा काम मत कीजिए और सपोर्ट करना सीखिए। तो अभी यहाँ पर एक बात और कर लूँ यार, नाम तो नहीं याद है पर एक भाई उनका चैनल दो था, दोनों हैक हो गया, मैंने योगी सर के चैनल पर देखा है, त्यागी जी के चैनल पर देखा है, बहुत दुख की बात है, भगवान करे उनका भी चैनल वापस आ जाए। तो चलिए ब्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि रजनी बहन को ये वीडियो पसंद आएगी और आप सबको पसंद आएगी, प्लीज़ आप सब एक दूसरे की हेल्प करिए, मदद करिए, ये ना सोचिए कि कौन हमारे चैनल पे क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, पेशेंस रखिए अपने अंदर कि आज नहीं तो कल आएंगे, कल नहीं परसों आएंगे, या वो नहीं आएंगे तो दूसरे आएंगे, इतना थोड़ा कंट्रोल रखिए अपने अंदर। और जो हालात चल रहे हैं इसमें तो ऐसे भी आदमी नर्वस हो गया, एकदम परेशान हो गया है, कौन किसकी वीडियो पर जाए कौन ना जाए ये सब सोचने का वो नहीं रह गया है। फिलहाल के लिए मैं अपने सभी भाई बहनों से जाना चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट, तब तक के लिए बाय।